अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल डायरीज। दोस्तों आज हम दोबारा से आ गए हैं एक नए पूल में। हमारा जो अज़म है वो है कि आपको नए से नए पूल्स जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना। हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन भावलपुर के पूल्स विज़िट करवाएंगे। पूल आपके सामने है, नया पूल है भावलपुर में, अभी कुछ अर्सा पहले ही ओपन हुआ है, फार्म हाउस है बेसिकली ये। अगर सियासत ना होती तो ये जी हसनैन भाई फालसों के जूस को रगड़ा देते हुए अवाम ने हमें तो मौका ही नहीं दिया जूस पीने का है। आखिरकार बिल्कुल एक साइड पे नुक्कड़ पे आके हमें लगाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, यूट्यूबर्स, कैसे आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मौका मिला है, हमने कहा चलो इकट्ठे हो जाएं। आज फिर एक पूल पर आए, नया इंतखाब किया पूल का, और पूल माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और आपको इंशाल्लाह वीडियो वाकई भाई बना के दिखा रहे हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। आए आपको विजिट कराते हैं पूल का। ये जी ये हमारे जवानी भाई हैं, एक्सीडेंट हुआ है भाई का। ये हमारी सारी पलटून है जो नाइयां कर रही है। ये चोरी साहब ने साढ़े बेसिकली ये भावलपुर का रहा सबसे महंगा तरीन पूल है, ये चेक करें। हाँ जी थोड़े तो भी 200 रुपया ही लिया। नहीं 150 दिता गरीब है, 200 दी पैक ने दवा दी है। काफी खूबसूरत पूल है जी। ये स्लाइड का व्यू चेक करें। अच्छा जी ओवरऑल पूल बहुत खूबसूरत है, काफी मजा आ रहा है। बाकी हमारे सारे दोस्त जो है सब लोग, उनसे तो वेट ही नहीं हो रहा था, वो तो एक मिनट से पहले सब अंदर चले गए हैं। तो इसमें यहाँ बड़े वाला भी है, एक पूल है आपको वो भी दिखाते हैं। छोटे हैं यार वो भी, ये 7 फुट का नहीं है। ये क्लेम किया था कि ये वाला सबसे गहरे वाला है। पिछले व्लॉग में आपने इस पहलवान को देखा होगा, ये वाला ऊपर आओ पत्रो, टाइट करके पत्रो। हाँ बाबर कह रहे हैं किंगो, मैं तो डर गई। ये बॉडी ये सीना मेरा डाब है जॉन सीना, लंडे का जॉन सीना। किंगो क्या हुआ किंगो? बस गाड़ो वो तो ठहरे ना मोटा पंपी और ये हाफिज अपना क्या अभी शिवाज साहब ने मेरे साथ गुरु किया अकेले देख के। इन दो शख्सों ने मेरा नजायज फायदा उठाया, एक ये बड़े बड़ा मोहल्ले का और ये बहुत सस्ता इंसान। हाँ भैया हसनैन की हो रहा है? बस सर बड़ा बेसब्री ने इंतजार हो रहा सी। अच्छा क्योंकि यूट्यूबर दे जिन्ने साडे दोस्त ने साडे प्राण ने असि उन्हां लई बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाई ने माशाल्लाह। डिजिटल डायरीज ते वेखना मत भुलना माशाल्लाह। हां साडे ते इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि आप आके बैठे असि बहुत वीडियो बनाई तुहाडे प्राणा दी, पर साडे ते इंतजार नहीं हो रहा, असि भी चले नाल। बस जाओ तुसी भी फड़ो फड़ो असि चले। ठीक है जी अल्लाह हाफिज। जुत्ती ते ला दे क्या करना चाह रहा है तू, दिखाना क्या चाह रहा है? मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जॉन सीना इस दुनिया में अकेला नहीं है। अच्छा उसके बराबर का ये इंसान है। छाती पे वार कर छोरा, छाती पे। तू क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? मैं यहाँ पे जस्ट एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा माहौल देख रहा हूँ। तू यहाँ एंजॉय करने आया नहाने आया? मैं नहाने वो भी मैं जा रहा हूँ, ये जरा सामान खाली हो, जगह खाली हो ना आगे से, फिर हम निकलते हैं जी। ये है हमारी गैदरिंग का सबसे सोना बेबी बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह बाप की तरह हुस्न दे दिया कभी माशाल्लाह, फखर भी किया इस बात पे। अगर बबलू आप लड़की होते तो क्या होते? मैं यहाँ ही ना आता, तू मेरे साथ होता फिर। मैं यहाँ आता ही ना, क्योंकि घर से बाहर भी ना निकलता मैं। शेख साहब जनाब कहते हैं
हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। एंजॉय कर रहे हैं आप? शेख साहब चले स्लाइड खाने, फिर चले स्लाइड खाने पर साहब आ जाओ जी। इधर स्लाइड का भी इंतजाम मौजूद है बच्चों के लिए खास तौर के ऊपर। तो स्लाइड देख के, तो वैसे हम छोटी स्लाइडें नहीं छोड़ते, ये तो फिर बहुत बड़ी स्लाइड है। और शेख साहब को मैंने इसके ऊपर से धक्का देना है। शेख साहब इधर से जाए, ये बड़ी वाली से जाए। आप बच गए? ठीक है, फिर हम चलते हैं। ओके जी शेख साहब, अल्लाह हाफिज। अदील भाई वो शेख पहुंच गया, अब अदील भी आ गया भाई। और भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है? पहली दफा आए हैं स्कूल में? जी हां पहली दफा। कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मिल लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? सब खैरियत है। कहां से हैं? दुनियापुर से। दुनियापुर से? जी जी। यहां स्पेशली स्विमिंग पूल के लिए आए? जी बिल्कुल, स्विमिंग पूल के लिए। कैसा लग रहा है? ठीक है, फिट है, फिट माहौल है। चले माशाल्लाह, एंजॉय करें आप। बहुत मजा आया, मैं स्लाइडिंग लेके बड़ा एंजॉय किया हमने। स्लाइड लिया आपने? वैसे शेख साहब कैसा लगा स्लाइड लेके? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आपको? बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब हम दोबारा जाएंगे तो दूसरी वाली स्लाइड लेके आएंगे। सही है, भरपूर तरीके से। वाली लिया ये रोलिंग, रोलिंग ये रोलिंग वाली लिया। अब हम सोच रहे हैं हम रोलिंग वाली ट्राई करके देखेंगे। रोलिंग में हम आपको गीला कर ले थोड़ा। अच्छा, जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बेहतरीन कर ले। अब जाएंगे हम रोलिंग वाली यार पे। ये जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में अपने एक बात की थी कि सबसे पहले स्विमिंग पूल में आते हुए अपना टेम्परेचर अपने आप को नॉर्मल करना होता है, यही मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे सिखाई थी। बबुल भाई कैसे होती है ये, क्या चीज़ है? जब भी जाता है, जारी बात है, वो गर्मी में आता है। सही बात है, गर्मी होता है, इंसान का खून अंदर से गर्म होता है। ठीक है, एकदम इंसान को पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। काफी सारी यानी कि आप समझ रहे मुश्किलात होती हैं, जिस्म में दर्द पड़ जाना, ठीक है, और जिस्म का अकड़ जाना। सही है, क्योंकि गर्मी फुल जोरों से होती है, आना होता है, क्या कहते हैं, जिस्म वैसे ही गर्म हो रहा होता है। इसी तरह सबसे पहले इंसान को अपने आप को नॉर्मल करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाए, उसके बाद नॉर्मल कैसे करना चाहिए, कोई तरीका बताएं किस तरह? यानी कि आप बैठ जाए, थोड़ा पानी आप करके दिखाएं ना, आप ऐसे बैठ जाए, थोड़ा पाँव को गर्म ठंडा कर ले। ठीक है, पानी डालते जाए अपने आप के ऊपर, सारी बात है, खून थोड़ा हल्का नरम हो जाए। ये जी मेरा बेटा है प्यारा सा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा कब जाना नहाने, कब जाना? ये हफ्ते से मुझे कह रहा है कि नहाने चले, नहाने चले। मैंने कहा इंशाल्लाह संडे को चलेंगे। इस पूल का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो जितने भी हमने पूल इससे पहले विजिट किए हैं, ये सबसे बेहतरीन रहा है। और ये सबसे डूंगा पूल, और इस पूल में हम सारे जो है ना, अपने बचपन के जितने भी हम दोस्त थे, वो हम सभी आए हैं। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो पीछे रह गया। आपको एक शशका, ये शशका चेक करें आप। हाँ जी, सबको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा ये देखें, ये हमारे आकिब भाई, जिनके चैनल पर इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्दी वीडियो बनेगी, चलेगी। तो उम्मीद करो आप सबको बहुत मजा आएगा। और ये हमारे दोस्त हैं जमानी भाई, और ये आकिब भाई हैं। और आकिब भाई से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आके पूल पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है, हमारे बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा है।
शुक्रिया। पुराने दोस्तों के साथ मिलके आपको कैसा लग रहा है? तो फिर आपको पता है वो तो फिर जिगर होते हैं, पुराने दोस्त जी। ये हमारे आकी भाई के माशाल्लाह दो खूबसूरत बच्चे हैं जो लाहौर से आए हैं बाबा के साथ, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे उम्मीद है बात तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। आयत बेटा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? नहीं ऐसे नहीं करो, कुछ भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। और आपको, आपके तो दांत मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दांत कहाँ गया आपका? ये वाला दांत दरमियान वाला कहाँ गया? माशाल्लाह हमारे आकिब भाई की बेटियां जी, माशाल्लाह एक बेटा और एक बेटी खूबसूरत, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनकी लंबी जिंदगी करे। बस जी, ये हमारे अदील भाई हैं और रिसेंटली इनकी शादी हुई है, तकरीबन 4-5 माह हो चुके हैं। और इनसे शादी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, शादी कैसे गुजरी आपकी और अब लाइफ कैसे गुजरती है शादी के बाद? जी शादी ना करो आप। अच्छा जी, इसमें क्या फॉल्ट आपको नजर है शादी ना करने का? जिंदगी तो अच्छी गुजरती है, बहरहाल जिम्मेदारी क्योंकि जी। ये तो बिल्कुल वाकई आपने ठीक कहा कि शादी के बाद इंसान बीवी का ही होके रह जाता है, यार दोस्त सारे छुट्टी हो जाती है, ऐसे ही है। चलें, बेस्ट विशेज आपके लिए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये जी इसका बच्चों का सिस्टम है, ज़रा चेक करें, बड़ा खूबसूरत। ये हमारे वाले भी बच्चे बने हुए हैं साथ। ये हमारे किंगो, किंगो बच्चे बन रही है। ये देखो जी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो मर जाएगी। ये हमारे बच्चा पार्टी सारी। ये जी बाल्टी का बड़ा लेवल का स्वैग है इसका, कि बाल्टी जो है ये जब भर जाती है तो फिर ये खुद ब खुद गिरती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाल्टी है, ये हमारी सारी आवाम बाल्टी के नीचे। ये चेक करें जी, शावर्स बेहतरीन बेहतरीन किस्म के शावर्स हैं ये। एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ से भावलपुर के जितने भी पूल्स हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो हम लोगों को तो पूल, हम लोग पूल लवर्स हैं बेसिकली, तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन पूल्स। और भावलपुर में जितने भी पूल्स हैं ऑलमोस्ट उन सब पे व्लॉग हमने अच्छे, जो जितने भी थे उन सब पे हमने व्लॉग बनाए हैं, और आगे भी आपको इंशाल्लाह इसी तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स दिखाते रहेंगे। ये वाकई में बहुत ठंडा पानी है, जहाँ खड़े हो वो कौन कैसा पानी है? ये ठीक है पानी, ये तो जाहिर है रुका हुआ पानी है ना, ये ठीक है, लेकिन जो ऊपर से आ रहा है वो फ्रेश वाटर है। हमने वीलो क्या बनाना है, हमारे आवाम का चाह देखें, टिकटॉक्स का, टिकटॉक ने सही बात है खराब किया हुआ है हम लोगों को ना, ये हर कोई जो है अपने टिकटॉक में मगन है और इनका बस देर, इनका बस नहीं चल रहा है जितने मैक्सिमम टिकटॉक बना सकें वो बना लें। ये उमर भाई भी टिकटॉक बनवाने के लिए फुल जो है वो हुए पड़े हैं, तड़प रहे हैं कि जी टिकटॉक होना चाहिए, टिकटॉक होना चाहिए। ये जी टिकटॉक के पोस्ट चेक करें जी,
टिकटॉक्स द टिकटॉकर्स लोग हैं ये। ये चेक करें इनके बस शशके चेक करें इनके, इनसे जो है ना टिकटॉक ये जी टिकटॉकर्स के लिए स्पेशली इस तरह से टिकटॉक बनाए जाते हैं। आप लोग जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से नहीं बनाए जाते। ये जी हमें कह रहे हैं कि जाओ नहाना नहीं है, टिकटॉक ही बनाने हैं या ये खींच रहे हैं जी उस तरफ ले जाने के लिए कि जी नहाना है। किंगो भी फुल टाइम जो है उमर भाई को खींचने के चक्कर में है कि भाई जल्दी करो आप उधर चले नहाए। चलें जी अब चलते हैं उधर पूल की तरफ। बहुत शुगल मेला हो गया टिकटॉक्स का और अब नेक्स्ट जो है आपको शुगल का फन दिखाते हैं, स्विमिंग पूल का फन दिखाते हैं। अच्छा जी अब हम फाइनली आ गए हैं बड़े वाले पूल में। इसकी गहराई ऑलमोस्ट 6 फुट है, 5.5 फुट। हमारे पंटर लोग यहाँ पर खेलने में मसरूफ हैं फुल। ये है हमारी आवाम। अभी बस हम लोग भी जाने लगे हैं अंदर पूल में। ये जी पूल का बड़ा खूबसूरत व्यू है। फाइनली आपको तमाम पूल हम ऑलमोस्ट सारा दिखा चुके हैं। ये एक आखिरी पोर्शन रह गया था जिसमें अब मैं भी जाने लगा हूँ नहाने के लिए। हमारे सारे दोस्त वहाँ पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम हसनैन भाई, जबरदस्त हसनैन भाई द टिकटॉकर हसनैन फखरवी के नाम से टिकटॉक क्या है आपकी आईडी का नाम क्या है? हसनैन फखरवी वन द टिकटॉकर बॉय है ये हमारे। काफी लॉन्ग टाइम बाद आके बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल हमने भी बहुत इंजॉय हो रहा है हसनैन भाई, आपकी कंपनी बड़ी इंजॉय की हमने आज। बाकी टाइम निकाला करें यार आप हमारे लिए। हमारे बड़े भाई हैं ये सबको लीड कर रहे हैं इस टाइम और सबको खेल के रूल बता रहे हैं किस तरह खेलना है। यार भाईजान इस खेल के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएंगे। हम फुटबॉल वगैरह का खेल रहे हैं, फुटबॉल तो है नहीं हमारे, बोतल से खेल रहे हैं। अच्छा तो, मगर पानी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम सारे दोस्त मिल रही। चलो जी व्लॉग खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबने एंजॉय किया होगा। बिल्कुल काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।